सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर आरएसपी एडिटिंग। गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को प्रॉमिस डे के ऊपर एआई फोटो एडिट यहां पर करना सिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग हमारा फोटो देख सकते हो कितना देखने में अमेजिंग सा लग रहा है। तो अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का टी शर्ट नेम वाली फोटो को एडिट करना सीखना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक जो उसे देखते रहेगा, एंड वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आए तो इस वाले वीडियो को आप लोग 1 लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन पे कर देना। तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले वीडियो के टाइटल पर आप लोग क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लिंक देखने को मिल जाएगा वेबसाइट लिंक के नाम से, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार का रहेगा। तो आप सभी को क्या करना है, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा आप लोगों के सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों को इसको नीचे को स्क्रॉल करना है हल्का सा। और अगर आप लोग चाहते हो कि डेली लाइटरूम प्रीसेट बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड करना, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप लोग को मिलता रहता है डेली लाइटरूम प्रीसेट वगैरह। आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्या करना है, फोटो को बनाने के लिए इसको हल्का सा और नीचे की ओर करना है। तो सबसे पहले एक फोटो आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार का फोटो आप लोग बना सकते हो। एंड यहाँ पर क्या करना है, इसको हल्का सा और मतलब नीचे की ओर करना है। तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलेगा, तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करना है। अगर ये कॉपी नहीं होता है तो यहाँ पर क्या करना है, अपने फिंगर से इसको स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट ऐप को ओपन करना है। इस वाला ऐप को जो कि देख सकते हो, इस वाला ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड यहां पर क्या करना है, इसको हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। और नीचे में कैमरे का एक आइकॉन देखने को मिलता है, तो इसी वाले कैमरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करके जो स्क्रीनशॉट को अभी हम लोग लिए हैं उसी वाले स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड करना है इस तरह से। और इसको कुछ इस टाइप से अपने फिंगर से स्क्रॉल करके यहाँ पर पूरे को सेलेक्ट करना है, यानी कि सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, रिसेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके वही वाले वेबसाइट के अंदर आना है। और यहाँ पर आप लोग का प्रॉम्प्ट्स के जस्ट नीचे एक बटन देखने को मिलेगा क्रिएट योर इमेज के नाम से, तो इसी वाले बटन पर आप लोग को क्लिक करना है। तो क्रिएट योर इमेज वाले बटन पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा आप लोगों के सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जीमेल आईडी को यहाँ पर देके अकाउंट बना लेना है। अगर आप लोग को अकाउंट नहीं बनाने आता है तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। तो अकाउंट को बनाने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। और यहाँ पर आप लोग प्रेस करोगे तो पेस्ट के नाम से एक ऑप्शन आएगा, तो इस वाले पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, उस वाले टेक्स्ट को पेस्ट करना है जो अभी हम लोग कॉपी किए थे गूगल ट्रांसलेट ऐप से। और अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपने नेम को लिखना है, यानी कि जहाँ पर मेरा नाम लिखा है उसको डिलीट करके अपने नेम को लिखना है। और यहाँ पर नीचे में एक गर्ल के नाम से रहेगा, जो कि देख सकते हो अंचल के नेम से है, तो इसको भी आप लोग डिलीट करके कोई भी एक अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे में क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ जो कि ब्लू कलर का है, तो इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा आप लोगों के सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जो कि देख सकते हो कितना मस्त इमेज यहाँ पर बना है। तो मेरे को यहाँ पर फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी पसंद आ गया है, तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट करता हूँ पहले, जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए सेकंड वाला कोई सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पर बगल में 3 डॉट के नाम से एक आइकॉन देखने को मिलता है, तो इसी वाले 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना है।